है, तुम्हें मगन होंगे जिस तरह की मैं भी मसरूफ हूँ और आप लोग भी, लेकिन मैं इस मसरूफियत के बावजूद इसके वीडियोस को मिस नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड होंगी और बल्कि आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो इमरजेंसी इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बॉयज की भी पिछली ब्लीच वाली वीडियो देख के हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाए, तो लीजिए वीडियो हमने बना दी। सबसे पहले जल्दी से तरीका बताते हैं। मेरे पास ये है मैदा 1 टीस्पून, आप बेसन ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, आप कुछ दूध ले सकते हैं और चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद मेरे पास मीठा सोडा है बेकिंग सोडा, इसको मैं 1/2 टीस्पून लूंगी। चेहरे के लिए 1/2 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, और हाथों के लिए आप भी इतना ही इस्तेमाल करिए, और अगर बॉयज इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इतना ही इस्तेमाल करिए। चेहरे के लिए 1/2 टीस्पून ही आप दोनों इस्तेमाल करेंगे, बॉयज या गर्ल्स जो इस्तेमाल करेंगे। इस ब्लीच से आपके बाल गोल्डन ही होंगे, रिजल्ट भी मिलेगा। इसके बाद मेरे पास लीमू है, इसको 2 हिस्सों में काट लीजिए और 1/2 लीमू का रस इसमें शामिल कर दीजिए। अब यहाँ पे एक बात नोट करिए कि ये वीडियो पहले भी अपलोड हुई है लेकिन इसमें 1-2 चीजें हमने इस्तेमाल नहीं की थी, जिसका इस्तेमाल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए, ताकि आपको इमरजेंसी रिजल्ट मिले। ईद से पहले इसको इस्तेमाल करिए, 1 से 2 दफा इस्तेमाल कर ले। मेरे ख्याल ईद में 5-6 दिन रहते हैं, तो आप 5-6 दिन में इसे 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए। यकीन कीजिए कि दूसरी दफा में आप देख के हैरान रह जाएंगे कि आपने आज तक इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तेज ना होते हुए भी तेज है, यानी कि केमिकल्स भी नहीं है, चीजें भी सारी नेचुरल है, लेकिन आपको रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा। 1-2 चीजें हमने इस्तेमाल की है वो आप स्किप कर सकते हैं। गुलाब का अर्क है मेरे पास रोज वाटर के, इसमें मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगी। तमाम वीडियो को पूरी तवज्जो से सुनिएगा, इसमें मैं सभी कुछ बता दूंगी जो आप छोड़ सकते हैं जो नहीं छोड़ सकते। 1 टीस्पून मैंने लिया, आप इसकी जगह पे दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज का आपको अल्टरनेट भी मैं बता दूंगी, आप दूध इस्तेमाल कर लें, पानी इस्तेमाल कर लें या गुलाब का अर्क इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक हो गया। अब जो हमने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया था, इसकी जगह पे ब्लीच का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये इसलिए बनाइए क्योंकि ये बॉयज के लिए है, बॉयज के बाल जो है वो गोल्डन या लाइट नहीं हो, लेकिन उनको रिजल्ट पूरी मिल जाए। अब ये मेरे पास हाइड्रोजन है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों एक चीज होती है, आप कोई भी ले लीजिए। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है, इससे कोई टेंशन नहीं होगी आपको, कोई मसला नहीं होगा। सेंसिटिव स्किन पर आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए, और चेहरे पर आपने हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना, भले वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। ठीक हो गया। आपने चेहरे पर इस्तेमाल करना है तो इसमें सिर्फ मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करना है, हाथों पे भी ऐसे इस्तेमाल होगी, चेहरे पर भी और पाँव पे भी। सिर्फ चेहरे पर हाइड्रोजन नहीं डालना, बाकी बाजुओं पे, गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे इस्तेमाल करें तो इसमें आप हाइड्रोजन मिला सकते हैं, ये असूल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास ये शहद है, मेरे पास बिल्कुल प्योर है, आपके पास प्योर है तो पहले प्रूफ नहीं है, तो परेशान नहीं होना, तुरंत आपके पास आप इस्तेमाल कर लीजिए, टेंशन नहीं लेनी आपकी। 1/2 टीस्पून इसमें शहद की मिलाएंगे। इसके अलावा इस रेमेडी को भी मैं छोटी उम्र की लड़की और लड़कियों को इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं करूंगी, इसको आप 16 साल से लेके 20-25 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 साल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात छोटी उम्र की हो रही है, इसको 17 साल से नीचे का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप मिक्स किया है, इससे मिक्सिंग अच्छी होती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। आप लोग शायद इस बात पे गौर नहीं करते हो, बट ये जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप ऐड कीजिए। अब मेरे पास ये नारियल का तेल है, सबसे लास्ट में 8-10 कतरे ले लीजिए या आप 1/2 टीस्पून ले लीजिए, व्हाइट टी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, यदि हम इसमें मिला लेंगे। अगर आप नहीं मिलाना चाहते कोई मसला नहीं, आलमंड ऑयल मिला दीजिए, बादाम का तेल मिला दे या जैतून का या नारियल का तेल मिला दे, नहीं भी मिलाना चाहते परेशान नहीं होना, आप छोड़ दीजिए। लेकिन इसके मिलाने से ये होगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी, लेकिन आपकी ब्लीच तैयार होगी। इसको हमने करना है सिंपली अप्लाई, क्योंकि इसमें मैंने हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है
तो मैं इसको जनाब अपने हाथों पांव पे और बाजुओं पे कर सकती हूँ, लेकिन इसको चेहरे पर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। परेशानी कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग की अपनी अपनी स्किन का हिसाब है तो किसी किस्म की कोई परेशानी। सिंपली इसको अप्लाई कीजिए, चेहरे पर हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं करना, बाकी सारा तरीका यही है। अप्लाई करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप इसको रिमूव किस तरह से करना है। उसका भी मेथड स्पेशल है जो आपको आगे चल के वीडियो में नजर आ जाएगा। इसको मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक हो जाए, और मैं इसे अपने दूसरे हाथ पर भी अप्लाई कर लूंगी। एक में मैंने कर लिया और दूसरे में भी कर लूंगी, क्योंकि ये आने वाली है तो दर्शन पात्र मैं भी अप्लाई कर लूंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो मैं नहीं देती, तो चले जी दूसरे हाथ पर भी अप्लाई कर लेंगे। मुझको नहीं थी इंतजार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 15 से 20 मिनट के बाद ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जिस लीमो में से हमने लीमो का रस निकाल लिया था उसको छीलना हमारे पास पड़ा होगा, ठीक हो गया। इसकी मदद से आपने स्क्रबिंग कर ली, आपको रिजल्ट यहीं पे नजर आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से आपने स्क्रबिंग करनी है, जरा जान लगा के 2 मिनट लाजमी करिए, घड़ी की सुइयों के मुताबिक 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से स्क्रबिंग करिए अपने नंबर्स पर, अपने हाथों पे, बाजू पे, अगर पाँव पे किया है तो पाँव पे भी करिए इस्तेमाल, नेक पे किया है तो भी करिए, बट चेहरे पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अगर ऐसे भी किया तो भी आपने इसका स्क्रब करिए, ठीक हो गया। 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है। जब तक मैं करती हूँ, नए फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 अपनी तमाम फ्रेंड और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिए, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट के लिए रेमेडीज जो है वो स्लो जरा होती हैं, बट ये इसका रिजल्ट पूरी आपको नजर आएगा। तो इसको लाजमी आपको शेयर करना चाहिए ताकि ईद पर जो है वो जो लोग पार्लर नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं करते, कुछ नेचुरल रेमेडीज और बेहतरीन रिजल्ट के लिए इससे पहले 2 बार इसको दोहरा लीजिए, 2 से 3 दिन की वक्त से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सेंसिटिव स्किन वाले इसको इस्तेमाल ना करें, अगर करना भी चाहते हैं। ऑलमोस्ट तमाम बातें मैंने क्लियर कर दी और मेरा स्क्रबिंग भी कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसको वॉश कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ, और लास्ट पे जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि लोशन जो है वो लाजमी अप्लाई करनी होती है। रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद ये बेस्ट होते हैं, रूटीन में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सा सूथिंग लोशन आपने लेना है। अब यहाँ भी आप लोग को बताते चले, अगर नहीं है तो बाबा परेशान नहीं होना, कोई भी व्हाइटनिंग लोशन घर में पड़ा है ना उसके साथ आप 2-3 मिनट हाथों की अच्छी तरह से मसाज करें। बट अगर आपके पास सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन होगा तो इसके अप्लाई करते करते आप रिजल्ट देखिए। इसको वेट हाथों पे करना, थोड़े हाथ गीले हो ना आपके, तब थोड़ा सा इसको लीजिए और 2-3 मिनट आप अच्छी तरह से इसका मसाज करिए। हल्के हाथ से मसाज करते करते आपको व्हाइटनिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। आप ब्लीच वगैरह करती हैं या पॉलिशर घर पे करती हैं, आप फेशियल करती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया करिए, मसाज करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने नेकल्स पर करिए, फिंगर्स पर करिए और हाथों पर भी इसको अच्छी तरह से अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि जब हम वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाने लगे, जब हैंड वॉश करके आई हूँ, उसमें यूँ हुआ कि कैम टच होने की वजह से हमारा जो है वो रिजल्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हंसी वाली बात मुझे ये है कि मैंने कमेंट्स को देखा तो मैं बहुत परेशान हुई कि सबने ये लिखा कि आपने चेंज कर दिया, फैक्ट चेंज कर दिया, हो गया ये, हो गया वो, हो गया। इस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए क्या रिजल्ट है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि एक दफा 15-20 मिनट की मेहनत से मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। बिलीव में अगर आप इसे 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट एंड क्लियर हो जाएगी, जैसा कि आपको नजर भी आ रही है, और आपकी स्किन टाइट फील हो जाएगी, स्मूथ है, चुड़िया है हाथों से वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। जी रिजल्ट आपको नजर आ रहा है और बिल्कुल आपके सामने है, और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और इसके साथ ही वीडियो हमारी मुझे खत्म।
बट हम लेसन जो है वो अपना मिस नहीं करेंगे। अब चलते हैं आज के लेसन की तरफ और उसके साथ बात चलेंगे हम अपने मैसेज की तरफ। सबसे पहले लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमोदार होना ही है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए हमेशा पूर्व उम्मीद रहो। अल्लाह पाक को पूर्व उम्मीद लोग बहुत ज्यादा पसंद है। हम सब जानते हैं कि रात हुई है उसके बाद सवेरा लाजमी होगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।